Assalamu everyone, how are you? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. And thank you my dear students and viewers, my family members, you are liking and supporting my YouTube channel Knowledge for Everyone. Today I'm gonna teach you a different topic. It is about suffix. What is suffix? Suffix hote kya hai? Today I will teach you about suffix. A suffix is a letter. A suffix is a letter attached to the end of a word. Of a word to form a new word. Form a new word. Suffix actually होते क्या हैं? Suffix जो होते हैं ये जो है एक letter होता है जो कि attach to the end of a word. जो word के end में आप attach करते हैं letter, this is called suffix. सफिक्सेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं. सफिक्सेस होते हैं एबल, लेस, नेस, एंड फुल. जब हम ये लेटर जो हैं वो वर्ड के एंड में लगा देते हैं तो इसके मीनिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और ये हमें सारे क्या कहलाते हैं, ये सफिक्सेस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सफिक्सेस. तो मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पर भी बात करूं, जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रीफिक्सेस एक्सप्लेन किया था. एंड टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट सफिक्सेस, कि सफिक्सेस होते क्या हैं. इन्हें हम उर्दू में कहते हैं लाहिक़े. उर्दू में हम क्या कहते हैं? लाहिके, यानी बाद में आने वाले लेटर्स, लाहिके. और प्रीफिक्सेस कहते हैं जो सबके, यानी पहले आने वाले लेटर्स. जो पहले आप यूज़ करके नया वर्ड बना रहे होते हैं तो वो प्रीफिक्सेस होते हैं. ये सफिक्सेस हैं, इन्हें लाहिके कहते हैं उर्दू में. तो चलिए वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. फर्स्ट हमारा जो लेटर है वो है एबल, ए बी एल ई, एबल. एबल यानी आप एबल के बहुत सारे वर्ड्स आप सफिक्सेस बना सकते हैं, जैसे रीड एबल यानी कोई चीज़ जो पढ़ने के लायक हो या पढ़ने के काबिल यानी जिसे आप पढ़ सकें या पढ़ा जा सके, रीडेबल. द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेबल, यानी एक चीज़ ऐसी जो काम की ना हो, कारामद ना हो, बेकार हो, माजूर हो, उसके लिए भी आप कहते हैं डिसेबल है ये चीज़ इस काबिल ही नहीं है. माजूर हो या आप उस पर कोई काम ना कर सकें, डिसेबल. द नेक्स्ट वर्ड इज काउंटेबल यानी जिसको आप गिन सकें, वो चीज़ जो गिनने के काबिल हो. तो आपने देखा लास्ट में सबके क्या आ रहा है, एबल. काउंटेबल जिसे आप गिन सकें, जिसको आप गिन सकें या काउंट कर सकें, गिन सकें, काउंटेबल. और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल जिसे आप गिन ना सकें, जिसे आप काउंट ना कर सकें, जिसको आप गिन ना सकें, अनकाउंटेबल. सबके एंड में जो है वो एबल आ रहा है. तो आप ये देखें सफिक्सेस में यूज़ करती जा रही हूँ एबल. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकेबल. ब्रेकेबल
यानी वो चीज़ जो तोड़ने के काबिल हो। जैसे आप कोई चीज़ तोड़ देना तो हम कहते हैं ये ब्रेकेबल है, ये टूट सकती है, टूटने के काबिल हो, टूट जाए, टूटने के काबिल होना, यानी वो चीज़ जो जल्दी टूट जाए। अनब्रेकेबल वो चीज़ जो ना टूट सके, अनब्रेकेबल जो चीज़ जल्दी ना टूट सके। लिवेबल, लिव एबल, लिव एबल मीन्स रहने के काबिल हो, लिव मीन्स रहना, और एबल मीन्स इस काबिल हो कि वहाँ रहा जा सके या वो जगह ऐसी हो रहने के काबिल, रहने के काबिल होना, लिवेबल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कम्फर्टेबल। कम्फर्ट, कम्फर्ट हम कहते हैं ना आरामदेह, कम्फर्टेबल यानी ऐसी चीज़ जो आराम पहुंचाने के काबिल हो या आरामदेह हो, आरामदेह होना, आराम पहुंचा सके जिससे आपको सुकून मिले, आराम मिले, कम्फर्टेबल। नंबर नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सचेंजेबल। एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल यानी वो चीज़ जो आप एक्सचेंज कर सकें, उसका तबादला कर सकें, यानी एक्सचेंजेबल हो यानी आप उसको तब्दील कर सकें, तब्दील होने के लायक हो या तब्दील करवा सकें, तब्दील करवा सकें। एक्सचेंजेबल है यानी ये चीज़ आप बदल सकते हैं, इस चीज़ के बदले में आप कुछ और ले सकते हैं। एक्सचेंजेबल यानी आप इसको बदल कर कुछ और ले लें, एक्सचेंजेबल। द नेक्स्ट सफिक्स इज़ हमारा क्या था, फुल। फुल यानी पूरा, फुल होना, भरा होना, फुल। अब आप इसको, इसके मैं वर्ड्स बनाती जाऊँगी। ब्यूटीफुल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर वन इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, फुल, फुल में एंड में यूज़ करती जाऊँगी तो ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। ये एंड में अब जो लेटर आप यूज़ कर रहे हैं और एक नया लेटर बना रहे हैं, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मीनिंगफुल, मीनिंग, मीनिंग का मतलब मायने, और मीनिंगफुल होना, मायने खेज होना, यानी वो चीज़ जो मायने रखती हो, मीनिंगफुल, मायने खेज होना, यानी वो चीज़ जो मायने रखती हो, मीनिंगफुल। केयरफुल, केयर, केयरफुल, केयरफुल मीन्स जिसकी, जिसे आपकी परवाह हो, परवाह करने वाला, केयरफुल, बहुत ही परवाह करने वाला, बहुत ही लापरवाह ना हो बल्कि परवाह करने वाला, केयरफुल है, केयरफुल। यूज़फुल, यूज़ मीन्स काम की, करामत, और यूज़फुल ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा करामत हो, यूज़ इस्तेमाल, और यूज़फुल होना यानी बहुत, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कारामद होना या यूज़फुल होना। डाउटफुल, डाउटफुल यानी वो चीज़ जो शक व शुबा में मुब्तला हो, डाउट हो जिसके बारे में, डाउटफुल, शक व शुबा होना यानी उस चीज़ का डाउटफुल होना, यानी शक व शुबा में, शक व शुबा से भरपूर होना, डाउटफुल है ये चीज़, ये नहीं करना चाहिए काम, इसमें कोई ख़तरा है, डाउटफुल है। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी फ़ायदेमंद, फ्रूटफुल कहते हैं हम, फ़ायदेमंद किसी चीज़ का फ्रूटफुल होना, फ़ायदे, फ़ायदेमंद होना, यानी ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको बाद में फल ही मिलेगा और अच्छा मिलेगा, फ्रूटफुल होगा, बेकार नहीं होगा बल्कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पेनफुल, पेनफुल, पेन मीन्स तकलीफ़, पेनफुल तकलीफ दे, कोई चीज़ हम कोई बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत ही पेनफुल था ये मरहला या ये लम्हा या ये कोई मूवमेंट, तकलीफ दे, बहुत ही पेनफुल था यानी तकलीफ दे था। थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल शुक्रगुजार होना, थैंकफुल शुक्र
गुजार होना. वंडरफुल, द लास्ट वर्ड इज वंडरफुल. वंडर वंडरफुल यानी हैरान, हैरत अंगेज़, कोई चीज़ ऐसी जिसे देखकर आप एकदम हैरान हो जाएं. वंडरफुल, हैरान कुन यानी ऐसी बात, ऐसी चीज़ जिसे देखकर आप एकदम हैरान हो जाएं. परेशान तो नहीं लेकिन हैरान हो जाएं, हम कहते हैं वंडरफुल, क्या बात है. ठीक है, तो लास्ट में देखें आप इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, फुल. क्या यूज़ किया है, फुल. फुल जो है वो सफिक्स है यानी लाइक, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो एंड में आप लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सफिक्स होता है. यानी सफिक्स फुल और एबल. द नेक्स्ट वर्ड इज़, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड करेंगे वो हम होगा हमारा, क्या लेटर मैं यूज़ करूँगी, लेस. लेस, लेस यानी किसी चीज़ के आप ले लें, नेगेटिव के मायनों में आ जाता है लेस, यानी कम कर देना. लेस मीन्स कम हो जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना, लेस हो जाना. जैसे केयरलेस, केयरफुल था ना अभी, अब है केयरलेस. केयरलेस लापरवाह, बहुत ही लापरवाह है. केयरलेस है लापरवाह होना, केयरलेस हो जाना, लापरवाह हो जाना, केयरलेस. होमलेस, होमलेस, होमलेस जिसका घर ना हो. लेस मीन्स, लेस हम इस सेंस में लेते हैं कि वो कोई चीज़ नेगेटिव में जा रही है, कोई पॉजिटिव काम नहीं हो रहा बल्कि नेगेटिव हो रहा है. होमलेस, बेघर होना, यानी होमलेस. लेस जो है वो किस मायने में आ गया, नेगेटिव के मायने में. यानी किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी चीज़ के लिए आप नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ना होना, यानी ये चीज़ अच्छी नहीं है, या केयरलेस है, या होमलेस है, जो भी है इंसान, उसके घर नहीं है, बेघर है. हेल्पलेस, हेल्पलेस, हेल्पलेस कहते हैं. हेल्प का मतलब मदद करना, लेकिन लेस लग जाने के बाद आप कहेंगे हेल्पलेस मीन्स बेयारो मददगार, यानी जिसकी कोई मदद ना कर सके. बेयारो मददगार, हेल्पलेस. हेल्पफुल होते हैं कि हेल्पलेस हैं, जिसमें कोई बेचारा किसी की कोई हेल्प ही ना कर सके, हेल्पलेस है, और वो ख़ुद भी हेल्पलेस है कि किसी की हेल्प ना कर सके. यूज़लेस, यूज़लेस ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल के काबिल ना हो. यूज़ मीन्स इस्तेमाल, और लेस लग गया मीन्स नेगेटिव हो गया, यानी कोई चीज़ ना के मायनों में आ गई, हम कहेंगे यूज़लेस, बेकार. यूज़लेस बेकार चीज़ के लिए, यूज़लेस है ये चीज़, बेकार है. यूज़लेस है, बेकार है, फ़ायदेमंद नहीं है. यूज़लेस. वर्थलेस, वर्थलेस यानी वर्थलेस मीन्स ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत ही ना हो, बेकदर, बेकदरी. वर्थलेस जिसकी कोई कीमत ही ना हो, कोई कदरी ना हो, बेकीमत. वर्थलेस यानी इसकी कोई कीमत ही नहीं है. वर्थ मीन्स कीमत, और वर्थलेस लग गया यानी इसकी कोई कोई कीमत ही नहीं है. वर्थलेस. द नेक्स्ट वर्ड इज जॉबलेस. जॉबलेस यानी ऐसा शख्स जो जॉबलेस है, जिसकी कोई जॉब ही नहीं है, तो हम कहेंगे जॉबलेस है, जॉब भी नहीं है, बेरोज़गार, बेरोज़गार. बेरोज़गार यानी ऐसा शख्स जो जॉबलेस है, जिसके पास जॉब नहीं हो, हम कहते हैं जॉबलेस, बेरोज़गार. स्पीचलेस, स्पीचलेस, स्पीचलेस. स्पीच का मतलब बोलना, लेकिन अगर स्पीच लेस लग गया तो ऐसा शख्स जिसको चुप लग जाए, आगे से कोई बात ही ना कर सके, स्पीचलेस, बात ही ना हो पाए उससे, और चुप लग जाए, खामोश हो जाना, आगे कुछ बोल ही ना सके, स्पीचलेस, कोई गुफ्तगू ना कर सके. बात ही ना कर सकना, यानी इसके बाद कोई बात ही नहीं होती, बात ही ख़त्म, आप बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गए, यानी कि अब कुछ भी नहीं कह सकते आगे, भाई स्पीचलेस, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, स्पीचलेस. एंडलेस,
एंडलेस यानी ऐसी चीज़ जिसमें कोई इख्ताम ही ना हो, इख्तिताम ही ना हो। यानी एंडलेस, एक तो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ का खात्मा हो जाता है, नहीं भाई, एंडलेस यानी वो चीज़ जिसका एंड ही ना हो, एंडलेस। द नेक्स्ट सफिक्स इज नेस, एन ई डबल एस, नेस। नेस, द वर्ड इज नेस। नंबर वन, द नंबर वन वर्ड इज इलनेस। इलनेस, इलनेस मीन्स बीमारी, इलनेस बीमारी। फ्रेशनेस, फ्रेश मीन्स ताज़ा, फ्रेशनेस ताज़ा, ताजगी, फ्रेशनेस ताजगी। द नेक्स्ट वर्ड इज सैडनेस। सैड मीन्स उदास होना, और नेस लगा दिया तो हम क्या कहेंगे, सैडनेस, उदास, उदास होना या उदासी, उदास होना। बोल्डनेस, बोल्डनेस, बोल्ड मीन्स बहादुर, हिम्मत वाला, बोल्डनेस बहादुरी, बहुत ही बोल्डनेस तरीके से किसी चीज़ का डिफेंड करना या फाइट करना, बोल्डनेस। काइंडनेस, काइंड मीन्स मेहरबान, और काइंडनेस मेहरबानी, मेहरबानी। द नेक्स्ट वर्ड इज रूडनेस, रूडनेस, रूडनेस। रूड कहते हैं बदमिजाज होना, यानी रूड हो जाना, बदमिजाजी, बुरा मिजाज होना। रूडनेस, बुरा मिजाज होना। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट सफिक्स, यानी लाइके। सफिक्स होते हैं क्या, हैं लाइके, यानी उर्दू में हम इसको लाइके कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स इज़ अ लेटर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यानी वो लेटर जो आप किसी भी अटैच कर देते हैं लेटर के साथ, वर्ड के साथ, और एक नया वर्ड बन जाता है एंड में, एंड में लगाते हैं इसे, ना शुरू में नहीं, शुरू में आप प्रीफिक्स लगाते हैं, और ये सफिक्स हैं। एबल, लेस, नेस, फुल, जैसे रीडेबल, पढ़ने के काबिल, डिसेबल, ऐसा होना जो माजूर होना, या माजूर हो, या माजूर होना, डिसेबल, काउंटेबल, जिसको आप गिन सकें, यानी एबल मीन्स किसी चीज़ के काबिल होना, काउंटेबल जिसको आप, जो गिनने के काबिल हो, अनकाउंटेबल वो चीज़ जो गिन ना सकें, गिनने के काबिल ना हो, ब्रेकेबल ऐसी चीज़ जो टूटने के काबिल हो, टूट जाए जल्दी ना, अनब्रेकेबल जो ना टूटे, अन लगा देंगे आप तो वो हो जाएगी अनब्रेकेबल, यानी वो चीज़ जो टूटने के काबिल ना हो, लिवेबल ऐसी जगह जो रहने के काबिल हो, कम्फर्टेबल आरामदेह, एक्सचेंजेबल ऐसी चीज़ जो आप तब्दील करवा सकें, बदलवा सकें। फुल, फुल सफिक्स है, यानी आप इसको सफिक्स कहेंगे, यानी ब्यूटीफुल, फुल लगा दें सबके एंड में, फुल 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 यूज़ करते रहेंगे, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, मायने खेज, केयरफुल, केयरफुल परवाह करने वाला, यूज़फुल कारामद होना, डाउटफुल शक व शुबा होना किसी चीज़ के बारे में, फ्रूटफुल ऐसी चीज़ जो फ़ायदेमंद हो, पेनफुल तकलीफ दे होना, थैंकफुल शुक्रगुजार होना, वंडरफुल हैरान कन होना, यानी किसी बात को आपको हैरान कर दें वो वंडरफुल है। एंड लेस, लेस जो है वो नेगेटिव के सेंस में लेते हैं, किसी चीज़ का ना होना, यानी अच्छा ना होना, केयरलेस लापरवाह होना, केयरफुल नहीं है बल्कि केयरलेस है, बहुत ही लापरवाह होना। होमलेस, घर ना होना, यानी किसी चीज़ का ना होना, हेल्पलेस बेयारो मददगार होना, यूज़लेस बेकार चीज़ होना, वर्थलेस बेकदरों कीमत होना, किसी चीज़ की कोई कदर ना हो, कोई कीमत ही ना हो, जॉबलेस बेरोज़गार, यानी किसी के पास जॉब ना होना, स्पीचलेस मतलब बात ही ना की जा रही हो किसी से, आगे से बेचारा बोल ही ना सके, बात ही ना कर सकता हो, स्पीचलेस मुंह बंद करा दिया हो किसी का ना, बस चुप, स्पीचलेस हो जाना, बात ही ना कर सके। एंडलेस
इख्तिताम ही ना होना, किसी चीज़ का एंड लेस है ये, तो इसका तो एंड ही नहीं है किसी लड़ाई का, फाइटिंग का, कुछ भी, इसका तो इख्तिताम ही नहीं है भाई, ये तो चलती ही रहेगी और चलता रहेगा। इलनेस, नेस लगा दिया आप एंड में, आपने सबके सफिक्स बता दिए। इलनेस, फ्रेशनेस, ताजगी, सैडनेस, उदासी, बोल्डनेस, बहादुरी, काइंडनेस, मेहरबानी, एंड रूडनेस, बुरा मिजाज होना या बद मिजाज होना, या आप ये कह सकते हैं बद मिजाज होना, रूडनेस, बदमिजाजी, यानी किसी के ज़ुबान में, किसी के लहजे में आ जाती है। तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप यू विल लाइक माई टूडेज़ टॉपिक, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरी वन, एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।